हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल की तरफ से। क्लर्क की पोस्ट के लिए न्यू रिक्रूटमेंट फॉर बम्पर नंबर ऑफ सीट 2024 के रिगार्डिंग। बम्पर सीट इसलिए बताई हूँ क्योंकि इसकी वैकेंसी आपको 6000 के अप्रॉक्स आने वाली है। तो इसका डिटेल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर इससे रिलेटेड आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर कुछ भी डिटेल जानना हो तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। फ्रेंड्स, ये एक ग्रुप सी की पोस्ट होती है क्लर्क के लिए, जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इलिजिबल होते हैं। अप्लाई की डेट की अगर बात करूं तो 1 जुलाई से 21 जुलाई तक ये फॉर्म अप्लाई होने वाला है। साथ ही साथ आपको प्री और मेंस का जो है IBPS ने एग्जाम कैलेंडर जारी किया है 2024 के रिगार्डिंग। तो प्री का जो एग्जाम होगा 24, 25 और 31 अगस्त, मेंस का एग्जाम 13 अक्टूबर को होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि जुलाई में फॉर्म आने वाला है, बट अभी इसको बताने का मोटो ये है कि आप अभी से अच्छी तैयारी कर पाओ। टोटल पार्टिसिपेटिंग बैंक कितना होगा? 11 बैंक टोटल इसमें पार्टिसिपेट करेगा। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो फी क्या लिया जाएगा? जनरल OBC और EWS से 850 यानी 850 रुपया, वहीं पर SC ST और फिजिकली हैंडीकैप पर्सन से 175 यानी 175 रुपीज लिया जाएगा। एज लिमिट की अगर बात करूं 20 to 28, मतलब 20 से 28 वर्ष के सभी बच्चे इलिजिबल होंगे। साथ ही साथ आपको पता है कि OBC को 3 वर्ष का छूट मिलता है और SC ST को 5 वर्ष का। आगे हम लोग देख लेते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी की क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन आपने कर रखा है। सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स, आप आर्ट, साइंस या कॉमर्स से हो, आपका कुछ भी उसमें परसेंटेज है, आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको पता है कि कलर की पोस्ट है तो कंप्यूटर वर्क होता है, तो कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए। अब देख लेते हैं व्हाट इज सिलेक्शन प्रोसेस। फ्रेंड्स देखिए, इसका बहुत ही फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस होता है और बहुत आसान भी होता है। सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेज का एग्जाम क्लियर करना होता है, उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है। पहले स्टेज पर प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा होती है, देन मेंस एग्जाम होता है। दोनों का दोनों ऑब्जेक्टिव होता है, ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है। तो चलिए दोनों का पैटर्न डिटेल्स में समझ लेते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम जो आपका होता है फॉर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलेगा। समय इसके लिए 1 घंटे का होता है। निगेटिव मार्किंग 1/4 0.25 की। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देख लिया कि समय 1 घंटे का है, पर इस 1 घंटे को 20-20 मिनट यानी 60 मिनट को 20-20 मिनट के 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। पहले सेक्शन में इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, मैथ्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए नेक्स्ट सेक्शन में होगा। फिर थर्ड पार्ट आपका रीजनिंग का 35 क्वेश्चन फॉर 35 मार्क्स, तीनों 20-20 मिनट का होगा। देख लिया, इंग्लिश 30 क्वेश्चन, मैथ 35 और रीजनिंग का आपका यहाँ पर रहेगा 35 क्वेश्चन फॉर 35 मार्क्स। चलिए आगे आपको बता देती हूँ कि मेंस का क्या पैटर्न होगा। प्री में आप क्वालिफाई करके मेंस का पेपर देते हैं। मेंस में आपको 190 क्वेश्चन होते हैं फॉर 200 मार्क्स, समय होता है 160 मिनट का। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी 1/4 यानी 0.25 की निगेटिव मार्किंग है। अब सब्जेक्ट वाइज अगर देखा जाए तो जनरल एंड फाइनेंसिंग अवेयरनेस को कंबाइन करके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए और 35 मिनट का ये पहला सेक्शन होगा। सेकेंड है जनरल इंग्लिश का 40 प्रश्न 40 नंबर के लिए फॉर 35 मिनट्स। थर्ड है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इससे 50 क्वेश्चन फॉर 60 मार्क्स और 45 मिनट का ये सेक्शन होगा। लास्टली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए और 45 मिनट्स का होगा। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो आपको पता है कि प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करोगे तभी आप मेंस के लिए जो भी एग्जाम दोगे आगे प्रोसेस होगा, लेकिन आपको बताते चलूं कि फाइनल मेरिट जो आपका बनेगा ना, वो मेंस के एग्जाम में जो आप स्कोर करोगे उसके आधार पर। प्रीलिम्स बस क्वालिफाइंग होता है। तो आपने समझ लिया कि फाइनल मेरिट फॉर मेंस एग्जाम स्कोर आपका मेरिट बनता है। ज्वाइनिंग की अगर बात करें तो पहले बता दिया कि बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, तो 1 फरवरी 2025 तक आपका वहां पर ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ करा दिया जाएगा।
सैलरी की बात करने से पहले आपको एक मेन चीज ये बता दूं, एग्जाम का सेंटर पूरे ऑल ओवर इंडिया में होता है, लेकिन आप जिस स्टेट के लिए, आप पूरे इंडिया में कहीं के भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जहां के लिए आप, मान लीजिए कि मैंने बिहार के लिए अप्लाई किया, तो बिहार में ही एग्जाम सेंटर रहेगा। अगर आपने उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई किया तो ज्वाइनिंग आपकी वहीं पर होगी, लेकिन एग्जाम देने के लिए भी उत्तर प्रदेश जाना होगा। आई होप कि ये वाला पार्ट आप समझ गए होंगे। अब आप जब ज्वाइन कर लोगे तो सैलरी क्या मिलेगी, चलिए मैं बता देती हूँ। सैलरी आपकी 30,000 के तकरीबन से शुरुआत होती है, 29,450 रुपये से शुरुआत होगा, 50,000 के करीब बाद में बढ़ के सैलरी हो जाती है 47,920 रुपीस। सो दिस इज योर ओवरऑल डिटेल्स अबाउट IBPS क्लर्क अपकमिंग रिक्रूटमेंट। आई होप कि सारा डिटेल आप समझ गए होंगे। अब भी कहीं पर कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, कमेंट करके क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी नई जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।